दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों? क्योंकि आपको आज मैं सिखाने वाला हूँ कि करंट अफेयर को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे आप उसे याद रख सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस सबसे बेहतर कैसे हो पाएगी। दोस्तों देखिए क्या होता है ना कि एक दिन में बहुत सारी घटनाएँ घटती हैं और क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है जो मैंने और यूट्यूब चैनल पर देख रखे हैं वहाँ पर क्या होता है कि सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता, बट हम सोचते हैं कि नहीं यार हमें कुछ आपको एडिशनल चीजें देनी। जैसे यही क्वेश्चन देख लो, आज है 19 मई और आज आपको यही करंट अफेयर के क्वेश्चन में ये प्रश्न दिए गए होंगे। अब देखिए यहां पर सही जोड़े का मिलान करें, आपकी परीक्षा में इस तरह के मिलान करने वाले प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। मैं चाहता तो आपसे सिंपली पूछ सकता था कि अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता, आपको नहीं पता रहता तो आगे आपको बता भी दिया जाता कि हर वर्ष 18 मई को क्या मनाया जाता, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता। या फिर रेड क्रॉस दिवस, आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया, कम से कम हजारों बार ये प्रश्न आ चुका है, आप जाकर के चेक करिए बहुत सारी परीक्षा में, ठीक है। तो 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। अगर मैं इतना पूछ के चला जाता तो क्या फ़र्क पड़ता, नहीं। मैंने सोचा यार कि क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल बनाते हैं। इसके पीछे आप ऐसा समझिए ना कि क्वेश्चन को टिपिकल बनाने के पीछे लाभ किसका है, फायदा आपका है। क्यों? आपको ज़्यादा चीज़ें मिल पाएंगी, आपके सामने ज़्यादा तरीके के प्रश्न आएंगे, तो आप जब इस तरह के प्रश्नों पर प्रैक्टिस करेंगे कल को जीएस के प्रश्न भी ऐसे ही आएंगे ना, तो आप अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे। अब देखो मुझे जैसे इसमें से एक इंपॉर्टेंट है, रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, आप सेट कर लो, यानी किसका हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर जो सी वाला है वो ये हो गया, ठीक है, सी मतलब तीसरे का ए हो गया, तो आप यहाँ याद रखिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सी डी ए बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पे ए दिया हुआ है, इसको यहाँ लेकर चला गया, यहाँ पर संग्रहालय दिवस को भी देखिए 18 मई कर देंगे तो ए बी मिल रहा है, तो आपका यही उत्तर सही हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा फोकस होता है कि हम आपको बेहतरीन क्लास दे पाएँ, साथ ही साथ हम डिस्क्रिप्शन भी देते हैं जो सबसे लाजवाब डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, और सबसे हटके डिस्क्रिप्शन होता है। इसका पीडीएफ भी आपको दिया जाता है। लगे हाथ हम लोगों ने यह भी कहा है कि मान लीजिए मई में कोई भी दिवस आया तो एक साथ आप मई के जितने भी दिवस है ना उसको आप एक बार देख लो, क्योंकि मई में 4-5 दिवस तो आते ही हैं और 4-5 बार जब इस चीज को आप देख लेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें आपके दिमाग में आ ही जाएंगी। तो परीक्षा में फायदा हुआ कि नहीं आपका, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक प्रश्न ये आया हुआ है कि अजान पर हाईकोर्ट के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। दोस्तों मैं चाहता तो इस प्रश्न को और भी ज्यादा आसान बना सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ करके कथन कारक वाले प्रश्न बनाए। इसके पीछे रीजन क्या है, बहुत टाइम लगता है, ये क्वेश्चन कहीं से चोरी नहीं किया जाता है, ठीक है। जब कोई मुद्दा आता है तो उसको पहले पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद क्वेश्चन की लाइनें बनाई जाती हैं, तो बहुत टाइम लगता है और ये सब सिर्फ आपके लिए किया जाता है, लेकिन शायद आपको इसके महत्वपूर्ण होने की बात ना पता हो। आप आजकल के पेपर को उठा के देखिए, आप हमेशा पढ़ते हो कि यूपीएससी में किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यही यूपीएससी का पैटर्न होता है। आप ये भी जानते होंगे कि धीरे धीरे जो पीएससी एग्जाम होते हैं वो भी अपना पैटर्न बदल रहे हैं और उस एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। छोटे एग्जाम में भी आज नहीं तो कल जब एग्जाम को, अच्छा एग्जाम कैसे टफ होगा बताओ, जो कंपटीशन कैसे टफ होगा, कंपटीशन ऐसे ही टफ होगा कि कठिन से कठिन बातों को आपके सामने रखा जाए कि आप कंफ्यूज हो जाओ। देखो अजान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसलों पर निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए, क्या ये दोनों बात सही है, आपको यही बताना है। कह रहा है कोर्ट ने अनुच्छेद 25 का हवाला देकर लॉकडाउन में मानव आवाज यानी ह्यूमन वॉइस से मस्जिद में अजान की इजाजत दी, कह रहा है इसमें लाउड स्पीकर से अजान पर बिना प्रशासन की अनुमति के रोक लगा दिया है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, तो आपको बताना कि सही क्या है, यहाँ पर दोनों कथन सही है। अब मामला क्या था वो पूरा मामला भी आपको बताया गया है कि क्या था मामला, यहाँ पर हाईकोर्ट ने क्या कहा, तो एकदम प्रॉपर तरीके से सारी कुछ सब चीजें बताई गई हैं। देखिए उसी तरह से आप पहले क्या था कि पिछले 3-4 महीनों से हम सिर्फ कथन कारक के एक ही प्रश्न दिया करते थे, फिर हमें लगा कि अब बच्चे जो है इस चीज पर आ गए हैं, निर्भर हो चुके हैं, अब उनको आदत में आ गई है, तो अब हम क्या कर रहे हैं धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या बढ़ा रहे हैं कि कम से कम करंट अफेयर में 3-4 प्रश्न दिए जाएं। अच्छा उससे ये भी फायदा होता है ना कि आपको उसके बारे में ज्यादा मैटर याद हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जब हम प्रश्न को कठिन करेंगे तो फायदा आपका है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है,
कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर तीन कथन बना दिए गए, समझ में आ रहा है, वहां पर इसके पहले दो कथन थे, यहाँ पर तीन कथन आ गए। परीक्षा में इस तरह से भी प्रश्न पूछता है, आप यूपीएससी का पेपर उठा के देख लो, ज्यादातर प्रश्न जो है वो कूट वाले ही होते हैं। ज्यादातर प्रश्न क्या होते हैं, कूट वाले होते हैं। ए सही है, बी सही है, सी सही है, ए बी सी सही है, बी सी सही है, ए बी सही है, ए सी सही है, ऐसे ही प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो आप धीरे धीरे आपकी आदत में आ जाएगा, तो ये चीजें जीएस में भी आपकी आदत में आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि हम वहां भी आगे इस तरह के कठिन प्रश्न बना के देने वाले हैं, जहां आपको अच्छे प्रश्न पर प्रैक्टिस कराएंगे। ऐसा नहीं, देखिए रटे रटाए रास्ते पर नहीं चलते हैं, हमेशा इनोवेशन करना हमारा काम होता है, हमारी टीम का काम होता है। स्टडी 91 से जो लोग जुड़े होंगे वो जान रहे होंगे कि किस तरह से इनोवेशन के काम होते हैं। लिख रहा है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम अम्फान है। दोस्तों अभी आपने न्यूज़ देखा होगा तो उसमें सुना होगा कि अम्फान तूफान जो है ये तबाही मचाने वाला है, और 19 तारीख आ गया है, 19 तारीख ही इसके आने की डेट थी। बहुत तेज़ी से यहाँ हवाएं चलेंगी, हवाओं की जो स्पीड बताएगी लगभग 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं यहाँ पर चलने वाली। करा इसका नामकरण थाईलैंड ने किया। कई बार परीक्षा में आया है आपसे तूफान ना पूछ करके, जैसे जनरली क्या होता है ये पूछ लेता है कि तूफान कहाँ पर उठा, तो चलो बंगाल की खाड़ी में उठा, कब उठा एक डेट पूछ सकता है, या भारत के किस राज्य को प्रभावित किया, या फिर उसका नाम जो है किस देश ने रखा, भाई अलग अलग देश उसका नाम रखते हैं, एक एक बार सबका चांस आता है, ठीक है। तो इसका नामकरण थाईलैंड ने किया, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ। आपको बताना है कि सही क्या है, क्या थाईलैंड ने किया है? जी हाँ, मेरे हिसाब से तो किया है। तीसरा दे रहा है चक्रवातों के नामकरण की व्यवस्था 2014 से चली आ रही है, अब आपको बताना है कि सही क्या। अब जिसको पता नहीं होगा दोस्तों कि ये नाम की व्यवस्था 2004 से चली आ रही है, इसके पहले या इसके बाद में चली आ रही है, वो जो है व्यक्ति नहीं बता पाएगा। तो याद रखिए यहाँ 2004 नहीं, ये 2014 नहीं, 2004 से चली यारी काफी पहले से है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा वाला यहां पे गलत हो जाएगा और ए और बी सही हो जाएगा। अब देखिए यहां पर डिटेल बताया गया, अब चक्रवात का नाम कैसे तय होता है, मैंने सोचा ये भी आपको जानना चाहिए। भाई ये करंट अफेयर का विषय नहीं है, लेकिन करंट अफेयर में हम स्टैटिक चीज़ों को जब तक जोड़ के नहीं सिखाएंगे, मैं चाहता तो यहाँ एक लाइन छोटा सा प्रश्न बना सकता था आम लोगों की तरह कि हाल ही में भारत के तटवर्ती राज्य किस तूफान से प्रभावित होने वाले हैं, ऐसे ही तो प्रश्न बनता है। उत्तर हो जाता अम्फान, अम्फान एक ऑप्शन दे देता, तीन अलग ऑप्शन दे दिया जाता वहाँ पे, ऐसे प्रश्न बन सकते थे। या हाल ही में अम्फान जो तूफान आ रहा है इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, इंडोनेशियाई सागर, या फिर अलग दे देता प्रशांत महासागर, ऐसे करके पूछा जा सकता है कि नहीं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने जानबूझकर ऐसे प्रश्न बनाए यहाँ पर कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले, आप समझो। इसके अलावा हाल ही में भी और कौन कौन से तूफान आए थे, जैसे देखिए यहाँ पर बुलबुल दे रहा है, और फानी आया था पिछले साल आया था, ठीक है 2019 में, तो वो सब चीजें भी यहां दी गई हैं। 2004 से भारत की पहल पर ही इसको नाम देने की व्यवस्था चल रही है, और कैसे नाम दिया जाता है वो भी आपको बताया गया यहाँ पर, देखिए उसी तरह से। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि आप अपनी आदत डालिए, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पसंद ना आ रहा हो कि सर आजकल के जो क्वेश्चन हैं वो बड़े टिपिकल लेवल के आ रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। तो मेरे भाई हाथ जोड़कर निवेदन है, मज़ा के लिए पढ़ाई मत करिए, हम तो आपके अच्छे भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम मज़ा के लिए करते हैं ना, तो हमें भी पता है कि यूट्यूब पर मसाला कैसे दिया जाता है और कैसे चैनल को चलाया जाता है, मुझे सब पता है। खूब बढ़िया बढ़िया चीज़ें निकालता और मसाला मसाला चीज़ें देता, लेकिन पता है उससे आपको मज़ा ज़रूर आता, लेकिन वो आपके सफलता में अच्छी चीज़ें साबित नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि मज़ा वाली चीज़ें मज़ा ही होती हैं, आपको मज़ा नहीं करना है, आपको पेशेंस के साथ पढ़ाई करना है, कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करना है। तो आप अपनी मेहनत करिए, आप अंतर समझिए कि औरों में और हमारे में क्या अंतर है। यार ये मत सोचिए यार, कई लोग ये भी सोचते हैं ना सर आप हमेशा प्रचार में लगे रहते हैं, आप औरों से की तुलना हमारे में से क्यों कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ, पढ़ना आपको है, सफलता आपको पानी है, सक्सेस आपको होना है। आप देखो आपके लिए बेस्ट क्या है, आपके लिए सही क्या है, या आप देखो, आप मत देखो यार। अगर आपको स्टडी 91 से भी अच्छा कहीं पे चीज़ें मिल रही यार, आप उसको भी ग्रहण करो। क्यों? शिक्षा ऐसी चीज़ है जो किसी एक व्यक्ति से मत नहीं ग्रहण किया जाता है, ठीक है। आपको जहाँ से भी अच्छी शिक्षा मिले, जहाँ से भी अच्छी शिक्षा मिले, आप ग्रहण कर लो। क्यों? क्योंकि मुद्दा क्या है, सफल होना, सक्सेस होना मुद्दा है। स्टडी 91 पर पढ़ना है केवल यही मुद्दा नहीं है, जहाँ से भी आपको अच्छा मिलता है वहाँ से आप जो है इसको
कवर करिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मेरा ये पैटर्न, कितने लोग जो है चाहते हैं कि ये पैटर्न बनाए रखा जाए, क्योंकि इस पैटर्न के बाद से थोड़ा सा हमारे यूट्यूब चैनल में, देखिए नीचे 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग में उस तरह के दिए, बाद में हमने छोटे टाइप के क्वेश्चन भी दिए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन भी दिए हैं, ऐसा नहीं कि हम हर तरफ से वैसे ही दे दिए, ठीक है। तो यहाँ इस तरह के भी प्रश्न हैं, इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप यूट्यूब के नीचे एक डिस्क्रिप्शन दिया होगा, उस डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, उस एप्लीकेशन में आपको बढ़िया ढंग से करंट अफेयर के वीडियोज मिल जाएंगे और PDF मिल जाएगा, या फिर वेबसाइट से भी कर सकते हैं। तो हर ऑप्शन आपको दिया गया है, तैयारी आपको करना है, टेस्ट भी देने की व्यवस्था दी गई है कि भाई पढ़ने के बाद आप टेस्ट जरूर दीजिए, हो सकता है आज का आज टेस्ट मत दीजिए, लेकिन कम से कम 3-4 दिन पुराने जो करंट अफेयर है ना, उनका टेस्ट आप जरूर दीजिए। उससे क्या होगा भाई, आपकी पढ़ाई मजबूत होगी। देखिए अगर मेरा काम, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, अगर मैं एक रास्ता बता रहा हूँ, अगर आप मेरे बताए रास्ते पर चलेंगे तो सफलता आपको मिलेगी, ठीक है। खाली मोटिवेट होने वाली बात नहीं होती है, अरे क्या लोग कहते हैं ना, घोल के पिला दो, यार घोल के कुछ नहीं पिलाया जाता, घोल के तरीका ही बताया जा सकता है, आपके दिमाग में तरीका ही डाला जा सकता है कि किसी चीज़ को पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, ठीक है, वो तरीका हम आपके सामने दे रहे हैं। अब इसके बावजूद भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर बताइए इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग करंट अफेयर के प्रति लगाव रखेंगे और इस वीडियो को पूरा देखा करिए। कई लोग देखता हूँ ना कि आनंद एवरेज जो मेरा वीडियो का टाइमिंग आता है, वो आता है 7 से 8 मिनट, पता चलता है करंट अफेयर 12 से 15 मिनट का है, तो लोग 7 से 8 मिनट ही देखते हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों 7 से 8 मिनट देखते हैं, भाई अगले 7-8 मिनट में क्या हो जाता है, लेकिन ये जरूर है कि आजकल विद्यार्थियों के अंदर से पेशेंस चला गया है। अगर पेशेंस नहीं है ना, कभी भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। आप मेहनत करिए, कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करिए और पूरी चीज़ें लगातार देखा करिए, तब आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। ऐसे नहीं है, आप इतने ऊपर जाना अगर आपने सोचा है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। चलिए बस यही चीज़ें मुझे बतानी थी, इस वजह से मैं आ जाया यहाँ पे। साथ ही साथ दोस्तों डेली करंट अफेयर में एक चीज़ें और आपको दिया जाता है, वो है कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जब नया करंट अफेयर आता है तो हम पीछे का करंट अफेयर, एक दिन पीछे का करंट अफेयर भी रिवाइज कराते हैं। एक बार देख सकते हैं आप कि रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन दोस्तों हम लोग इसलिए कराते हैं ताकि कल जो हमने पढ़ा, हो सकता है हमारे माइंड से स्किप कर गया हो, तो एक बार अगर रिवाइज कर लिया ना तो सारी बातें हमारे दिमाग में आ जाती हैं। फ़ायदा इसमें भी आपका है, आप सोच लो फायदा है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए आज है 19 मई, 19 मई का करंट अफेयर पढ़ाने से पहले हम 18 मई के करंट अफेयर का क्या करते हैं, रिविज़न करते हैं। ये 10 लाइन में 10 क्वेश्चन देते हैं कि हम लोगों ने कल ये चीज़ पढ़ा था, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपकी पढ़ाई और भी बेहतर हो जाती है। आप बताओ मैं सही कर रहा हूँ या गलत, कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।